सड़क दुर्घटना में 3 छात्रों की मौत, मचा कोहराम। इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के NS-57 से आ रही है, जहां बलुआ से मधेपुरा परीक्षा देने जा रहे 3 लड़कों की मौत प्रतापगंज थाने के NS-57 पर हाईवा से टकराने के दौरान हो गई। बताया जाता है कि बलुआ निवासी मोहम्मद ताहिद खान, अमन कुमार ठाकुर, अरबाज अपनी मोटरसाइकिल से बलुआ से मधेपुरा परीक्षा देने जा रहा था। वहीं प्रतापगंज थाने के NS-57 पर उल्टी दिशा से आ रहे हाईवा से घने कोहरे के कारण सीधी टक्कर हो गई, जिसे ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापगंज पहुंचाया, जहां उपस्थित चिकित्सक ने मोहम्मद ताहिद और अमन ठाकुर को मृत घोषित कर दिया और बाज के नाजुक स्थिति देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया। मोहम्मद अरबाज पापटिया ही पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। अस्पताल में बलुआ, प्रतापगंज और आसपास के लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सुपौल बिहार ईद मोहम्मद की खास रिपोर्ट, जगन न्यूज़ 24। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर एम रहमान। हाँ सर, अभी भी यहाँ हॉस्पिटल में एक दुर्घटना वाला जो मरीज आया था, क्या स्थिति थी सर उसकी? ये इसमें 3 सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें से 2 यहाँ पे एक्सपोर्ट डेट आया हुआ था और एक जो बहुत नाजुक स्थिति था, जिसको हम लोग रेफर किए दरभंगा, वो भी रास्ते में ही डेथ कर चुका है। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज़ 24।